टेंथ क्लास का विद्युत धारा फिजिक्स का टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें फर्स्ट क्लास आज होगा और इसका लगातार आपका सीक्वेंस में आते जाएगा सारे चैप्टर्स का। तो आपका अगर हम देखें टेंथ क्लास में सिलेबस का, तो एक तो विद्युत धारा हो गया, दूसरा आपका मिलेगा मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करेंट। यानी इसमें अगर हम बोले तो विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव दूसरा हो गया, तीसरा आपका है प्रकाश का प्रवर्तन, ठीक है, उसके बाद है प्रकाश का अपवर्तन, और उसके बाद आपका एक ह्यूमन आई, और उसके बाद सोर्स ऑफ एनर्जी यानी प्रकाश का स्रोत। ये इतने टॉपिक हम लोग को कवर करना है, इतने चैप्टर्स हैं टेंथ में। मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो एक होता है विद्युत धारा सिलेबस में, और दूसरा आपका है मैग्नेटिक फील्ड या चुंबकीय प्रभाव, और थर्ड में है वो स्रोत सोर्स ऑफ एनर्जी यानी ऊर्जा का स्रोत। और थर्ड फोर्थ में है लाइट यानी प्रकाश, और फिफ्थ में है ह्यूमन आई मानव नेत्र। मेन रूप से यही पांच चैप्टर होते हैं, लेकिन इसमें हम लोग प्रवर्तन और अपवर्तन दोनों होता है, लेकिन भारतीय वन का एक बुक होती है उसमें दोनों को अलग अलग चैप्टर में दिखाया गया है। तो सीक्वेंस में हम लोग स्टार्ट करेंगे फर्स्ट में विद्युत धारा, और उसके बाद नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे चुंबकीय प्रभाव, और थर्ड में होगा ऊर्जा का स्रोत, फोर्थ में प्रकाश, और फिफ्थ में मानव नेत्र। तो आज हम लोग का टॉपिक है विद्युत धारा यानी इलेक्ट्रिक करेंट, इसको हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। तो चलते हैं स्टार्ट करें। तो हम लोग विद्युत धारा में स्टार्ट करते हैं। विद्युत धारा में सबसे पहले हम लोग को स्टडी करनी होगी चार्ज के बारे में यानी आवेश। आवेश किसे कहते हैं, आवेश को क्या लिखा जाता है, चार्ज बोला जाता है इंग्लिश में, जिसको हम लोग सूचित करते हैं क्यू से आवेश को। देखिए आवेश वह राशि है, वह आवेश वह क्वांटिटी है जिस प्रकार से किसी भी वस्तु में द्रव्यमान होता है, किसी भी वस्तु में किसी वस्तु का एक होता है कि जगह को यानी क्षेत्रफल उसको बनाए, ठीक है, उसी तरह से सभी वस्तु में आवेश होती है। यानी एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी है किसी भी वस्तु का, उसमें आवेश होगा। जैसे हम इतना बड़ा अगर कोई वस्तु ले तो इस वस्तु में क्या हो सकता है, तेज वस्तु इतना जगह को छेका, इस वस्तु का द्रव्यमान होगा। तो जब वस्तु का द्रव्यमान पॉसिबल है, द्रव्यमान होता है, इसका मतलब यह है कि इस वस्तु में आवेश भी है। अब आवेश हमें दिखाई नहीं देगा, क्योंकि अब जैसे कोई भी अगर हम लेते हैं वस्तु तो वो वस्तु न्यूट्रल होता है, उदासीन होता है। तो कब हम इसमें कहेंगे कि चार्ज है, और चार्ज है तो क्यों है। तो आवेश जो है इसलिए है कि कोई वस्तु को यह पता कर पाए कि वो इलेक्ट्रिकल बिहेवियर को शो करे। मतलब कि अगर हम कोई वस्तु था इसमें आवेश है कि नहीं कैसे पता करते हैं, तो अगर हम इधर से कोई लाइट कोई करंट को दे तो दूसरे तरफ अगर करंट पहुंचा दे तब बोलते हैं कि इसमें जो चार्ज होगा वो फ्लो करने वाला है। लेकिन कुछ ऐसे भी आपको वस्तु देखने को मिलेंगे जिसमें हम करंट देंगे लेकिन करंट फ्लो नहीं करेगा, तो भी इसमें भी चार्ज है लेकिन दिखाई नहीं देता है। तो
आवेश जिस प्रकार से जो भी वस्तु में अगर द्रव्यमान है, मतलब समझिए कि उसमें आवेश भी है हमेशा। तो अब पता कैसे कर पाएंगे, तो देखिए कोई भी अगर हम मान लेते हैं कि चलिए एक नॉन मेटल ले लेते हैं क्लोरीन। क्लोरीन क्या है? नॉन मेटल है। क्लोरीन जानते हैं ना, इसका एटॉमिक नंबर 17, मास नंबर 35.5। इसमें अगर न्यूट्रल मानते हैं, इसको उदासीन मानते हैं, इस वक्त इसके पास 17 इलेक्ट्रॉन भी होंगे और 17 प्रोटॉन भी होंगे। तो कुल मिला के जब दोनों को जोड़ेंगे तो क्या मिल जाएगा? जीरो चार्ज। लेकिन जैसे कहा जाए कि एक इलेक्ट्रॉन किसी से ये ले लिया, जब किसी से लेगा तो 17 इलेक्ट्रॉन से अब इसके पास कितना इलेक्ट्रॉन हो जाएगा? 18 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। अब तो जीरो नहीं आएगा, अब क्या जाएगा? नेगेटिव में ही आ जाएगा। इसका मतलब कि अब इस पर चार्ज आ गया। तो चार्ज कैसे आया? तो ड्यू टू ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन अगर दूसरे इलेक्ट्रॉन दूसरे आइटम से अगर किसी आइटम पर आ जाता है तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गया, और ट्रांसफर होने से ही क्या हो जाता है? चार्ज आ जाता है। तो आवेश देख रहे थे कि आवेश है सब में, लेकिन पता नहीं चलता है। तो अगर हम इसमें बोले कि एक वस्तु इतना बड़ा है तो इसमें जितना मात्रा में पॉजिटिव चार्ज होता है उतना ही मात्रा में नेगेटिव चार्ज होता है। इसी प्रकार से अगर अगला में भी प्लस माने तो फिर भी क्या होगा? माइनस। फिर प्लस मानेंगे माइनस। ये जितने मात्रा में प्लस उतना ही मात्रा में क्या होता है? माइनस होता है। ये किसी भी वस्तु का ये प्रॉपर्टीज है। लेकिन जब हम मेटल को लेते हैं, मेटल को मतलब धातु को लेते हैं, तब इसमें क्या होता है कि इसमें पॉजिटिव जो चार्ज ज्यो का त्यो रह जाते हैं, लेकिन नेगेटिव चार्ज इधर उधर घूमते रहते हैं। जैसे यहां पर हम देखे मेटल में, तो पॉजिटिव चार्ज जहां के तहां रह जाएगा, जैसे था वैसे ही रहेगा, लेकिन नेगेटिव कभी यहां मतलब इधर उधर वो रैंडम मोशन में मूव करते रहते हैं। रैंडम मोशन मतलब तितर बितर मोशन, उसका गति होते रहता है, कभी इधर कभी उधर, मतलब हमेशा भागते रहेगा वो। इसमें किस्म होता है? धातु में होता है। लेकिन अधातु में क्या होता है कि दोनों फिक्स रहता है। जब फिक्स रहता है तो जितने मात्रा में पॉजिटिव है धन आयन उतना ही मात्रा में ऋण आयन, इस प्रकार से हमें चार्ज को पता नहीं कर पाते हैं। इसीलिए कहते हैं कि जो इधर से करंट देते हैं तो दूसरी तरफ करंट नहीं निकलता। वजह यह है क्योंकि तो ये तो फिक्स है, लेकिन इसमें क्या होता है करंट अगर इधर देते हैं तब इलेक्ट्रॉन भागना स्टार्ट कर देता है, और भागता है तो हम लोग कहते हैं करंट इसमें फ्लो कर गया, बह गया, निकल गया। तो इसका मतलब कहें कि धातु से करंट निकलता है लेकिन अधातु से करंट नहीं जाता है। तो आवेश क्या था? तो आवेश किसी बॉडी का इंटरनल प्रॉपर्टीज है, जिस प्रकार से मास वॉल्यूम एरिया होता है। तो ये चार्ज होता है उसके रिस्पॉन्सिबल होता है इलेक्ट्रिकल बिहेवियर को शो करने के लिए कि कोई भी वस्तु में इलेक्ट्रिसिटी पास करेगा या ना करेगा। अब आवेश दो प्रकार से होता है, इसको बांटते हैं। एक होता है पॉजिटिव चार्ज, जिससे हम कहते हैं धन आयन, मतलब धन आवेश। और एक होता है नेगेटिव चार्ज, जिसे कहते हैं ऋण आवेश। पॉजिटिव चार्ज धनावेश, नेगेटिव चार्ज ऋणावेश। इसको हम बोलते हैं कि प्लस ई के बराबर है, एक आवेश छोड़िए प्लस में क्यू लिख देंगे, और इस पर हम इसको लिख देंगे नेगेटिव में क्यू। ये हो गया धनावेश और ये हो गया ऋणावेश। आवेश कितने प्रकार का? दो प्रकार का, धनावेश ऋणावेश। आवेश कैसे आता है एक हम देख लेते हैं। चलिए किस प्रकार से हम आवेश को किसी भी वस्तु पर लाते हैं। जैसे कि हम एक ले लेते हैं यहां पर Na और एक लेते हैं Cl। दो एलिमेंट है हमारे इलेक्ट्रो केमिस्ट्री का जिसको प्रेडिक्टेबल का जानते हैं।
इसमें इसका एटॉमिक नंबर 11 और इसका एटॉमिक नंबर 17, इसका मास नंबर 23 और इसका मास नंबर 35.5। आवेश के लिए हमें मास नंबर से कोई मतलब नहीं है, ये होता है मेटल और ये नॉन मेटल, धातु अधातु। तो जब तो धातु होता है या धातु, तो धातु का एक गुण होता है को हमेशा इलेक्ट्रॉन को दूसरे को इलेक्ट्रॉन देना चाहता है। तो ये क्या करेगा, अपना एक इलेक्ट्रॉन दूसरे को देगा। अब ये देना का देने का भी कोई वजह होता है, तो वो हम वजह यहां पर नहीं सीखेंगे। तो जब ये देगा तब क्या होगा, तो सोचिए सबसे पहले कि अगर कोई भी एलिमेंट जिसका एटॉमिक नंबर जेड हो और शुरू में ये न्यूट्रल हो, तो इसमें प्रोटॉन की संख्या अगर देखे तो प्रोटॉन की संख्या होता है जेड के बराबर और इलेक्ट्रॉन का संख्या भी होता है जेड के बराबर। मतलब शुरू में प्रोटॉन भी नहीं बदलता, इलेक्ट्रॉन भी नहीं बदलता, जेड क्या होता है तो एटॉमिक नंबर के बराबर। परमाणु क्रमांक, परमाणु संख्या जितना होता है उतना ही प्रोटॉन की संख्या होता है किसी भी एलिमेंट में, किसी भी तत्व में यह होता है। तो जब यहां पर देखें तो एक बात और, प्रोटॉन पर भी चार्ज होता है ई के बराबर और इलेक्ट्रॉन पर भी चार्ज होता है ई के बराबर। फर्क इतना है कि प्रोटॉन में प्लस ई होता है और इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है माइनस ई। अब इसी को हम यहां पर लेते हैं, जब देखते हैं कि शुरू में न्यूट्रल था तो 11 को प्रोटॉन यानी प्लस में ई होगा, जब एक प्रोटॉन पे चार्ज प्लस ई वन तो 11 अगर प्रोटॉन है तो 11 प्रोटॉन है तो 11 ई रहेगा। उसी प्रकार से एक इलेक्ट्रॉन पर अगर नेगेटिव चार्ज आता है माइनस ई के बराबर तो इसमें आएगा माइनस में 11 ई। जब इतना आ जाएगा तो जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो कितना आ जाएगा, जीरो, यानी अभी इस पर कोई आवेश नहीं है। लेकिन यहां पर अगर यहीं पर अगर देखते हैं तो इसमें भी वही बात, 17 ई प्लस में 17 प्रोटॉन होंगे और 17 इलेक्ट्रॉन हो गया तो ये कितना हो जाएगा, जीरो। इस प्रकार से इस पर भी कोई आवेश अभी नहीं है। लेकिन अब क्या करता है कि एक इलेक्ट्रॉन इसको दे देता है, एक इलेक्ट्रॉन। जैसे एक इलेक्ट्रॉन दिया प्रोटॉन पर, प्रोटॉन तो नहीं दिया, क्या ये दिया इसको, इलेक्ट्रॉन दिया, तो इलेक्ट्रॉन की संख्या घट जाएगा लेकिन प्रोटॉन की संख्या 11e तो 11e रहेगा, लेकिन अब घट करके 10e रह गया। तो सोचिए कि अगर 11 पेन में से 10 पेन घटा देंगे हमारे पास एक पेन बचेगा, यानी 1e के बराबर वैल्यू बचेगा, e बचा प्लस की माइनस, तो हम बोलेंगे प्लस, यानी हम बोलेंगे कि जिससे इलेक्ट्रॉन निकलता है उस पर कैसा चार्ज आता है, प्लस चार्ज आता है। अब इसी प्रकार से हम यहां पर अगर देखें तो यहां पर क्या देखने को मिलेगा कि एक इलेक्ट्रॉन आ गया, तो पहले 17 इलेक्ट्रॉन था लेकिन एक इलेक्ट्रॉन आने से अब इस पर कितना इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, 18, यानी अब यहां पर 17 इलेक्ट्रॉन लेकिन अब 18 इलेक्ट्रॉन आ जाने से अब क्या होगा, उल्टा घटेगा, और उल्टा घटेगा तो नेगेटिव आ जाएगा, और जब नेगेटिव आ जाएगा तो हम यहां पर क्या बोलेंगे कि जब कि कोई भी एलिमेंट से किसी से निकलता है तो उस पर पॉजिटिव चार्ज आता है और जिस पर जाता है उस पर नेगेटिव चार्ज, तब यहां से हम कहते हैं कि इस प्रकार से आवेश किसी भी बॉडी पर आ जाता है। तो क्यों आया, तो आया इसलिए यह वजह था कि एक इलेक्ट्रॉन इसको से दूसरे पर जाकर के कन्वर्ट हुआ था, मतलब ट्रांसफर हुआ था। तो एक इलेक्ट्रॉन अगर ट्रांसफर हो जाता है एक ई के बराबर आता है, अगर दो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता तो कितने के चार्ज के बराबर होता, 2e। तो जितने मात्रा में प्लस चार्ज आता उतना ही मात्रा में माइनस चार्ज आता, क्यों, क्योंकि जितना इलेक्ट्रॉन निकलने वाला होगा वो किसी न किसी पर तो जाएगा। जब इलेक्ट्रॉन इससे निकला 2e तो 2e कहां जाएगा, इसको पर जाएगा, और इस पर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस 2e हो जाएगा। तो ये था मतलब चार्ज। अगर इसी प्रकार से आपको बोला जाए कि तीन इलेक्ट्रॉन अगर ट्रांसफर करवाएं तो तीन इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करने से क्या होगा, इस पर प्लस 3e आ जाएगा चार्ज, तो इस पर कितना आ जाएगा, माइनस 3e। तो एक बात हम समझ रहे हैं कि चार्ज हमेशा पूर्णांक में आता है, और किसके पूर्णांक में आता है, तो एक इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर, यानी उसके गुणनफल के पूर्णांक में किसी पर आवेश आता है। तो आवेश का हम देखें कि इसी का एक थ्योरी बनाया जाता है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज।
ठीक है चलिए अब उसको हम लोग लिख लेते हैं, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। इसका मतलब समझना है, अभी क्या देखे थे कि ए था, अगर बी मानते एक इलेक्ट्रॉन जाता तो एगो पर प्लस ई तो दूसरा पर माइनस ई, अगर हम दो इलेक्ट्रॉन भेजते तो प्लस टू ई इस पर माइनस टू ई, तीन भेज देते तो प्लस थ्री ई माइनस थ्री, यानी अगर हम कह दे एन इलेक्ट्रॉन को भेजें तो प्लस एन ई और माइनस ए नहीं आ जाएगा, किसके बराबर, आवेश बराबर। यही था क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। तो आवेश का फॉर्मूला मिल जाता है प्लस माइनस एन ई, क्या होता है प्लस माइनस एन ई, एन क्या होता है तो पूर्णांक होता है, और ई क्या होता है इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, इसका वैल्यू कितना होता है 1.6 गुना 10 के पावर माइनस 19 कूलम। कूलम क्या होता है तो आवेश का एसआई मात्रक। तो लिख लेते हैं कि आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है कूलम होता है। ठीक है, एसआई मात्रा कितना होता है कूलाम होता है, किसका आवेश का। अब वो धन आवेश हो या ऋण आवेश हो, कोई भी आवेश हो, सभी का एसआई मात्रा क्या होगा कूलाम होगा। और इसको हम लोग ध्यान में क्या रखें कि ए ई का वैल्यू कितना होगा 1.6 गुणा 10 के पावर माइनस 19 कूलाम, एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज। अगर आपसे एक मास का इलेक्ट्रॉन का मास पूछा जाए तो याद रखिएगा 9.1083 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 31 केजी। ठीक, इतना होता है याद रखना। यह था कुछ आवेश के बारे में। ठीक है, तो आवेश का आवेश क्या था, तो जिस प्रकार से किसी भी बॉडी पर मास हो सकता है जगह छेकेगा तो यानी उस पर क्या होगा आवेश होगा। आवेश दो प्रकार के था, एक धन आवेश ऋण आवेश। अब धन आवेश पर प्लस ई चार्ज होता है और ऋण आवेश पर माइनस ई होता है। ई का वैल्यू कितना होता है 1.6 गुने 10 के पावर माइनस 19। अब क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज बताएं कि जितने बार हम आवेश को ट्रांसफर करवाएंगे एक से दूसरे पर उतना ही मात्रा में चार्ज उस पर आएगा। तो क्यू का फॉर्मूला मिल गया प्लस माइनस एन ई, एन क्या था पूर्णांक था, ई क्या था ई का वैल्यू पता है, आवेश का ऐसा ही मात्रा क्या होता है कूलम्ब होता है। ठीक है, और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी द्रव्यमान, द्रव्यमान कितना होगा एक इलेक्ट्रॉन का, तो 9.1083 गुणे 10 के पावर माइनस 31 यानी 31 केजी। ये आवेश के बारे में कुछ बातें थी। अब हम चलते हैं यहां पर, कुछ होते हैं चालक और कुछ होते हैं अचालक, या बोलते हैं सुचालक या कुचालक, यानी धातु और धातु। देखिए, जिसमें अगर हम यहां वस्तु जो लिए थे, बताए कि एक में करंट दिए और इससे करंट निकल गया, और एक दूसरे वस्तु था जिसमें करंट दिए लेकिन करंट बाहर नहीं निकला, तो जिससे करंट पास कर जाता है वो विद्युत सुचालक कहलाता है, यानी ये इसमें करंट पास कर रहा है ये चालक होगा, लेकिन अगर जिसमें करंट पास नहीं कर रहा है ये क्या कहलाएगा विद्युत का कुचालक, यानी ये होगा अचालक। इसको क्या बोलेंगे, ये विद्युत का सुचालक है, अरे विद्युत का क्या है कुचालक है, सुचालक यानी हम इसको बोल सकते हैं कि ये कंडक्टर होगा और ये क्या होगा इंसुलेटर। ठीक है, तो विद्युत किससे प्रवाह करेगी, कंडक्टर से कि इंसुलेटर से, तो हम बोलेंगे विद्युत प्रवाह करेगा कंडक्टर से, इंसुलेटर से प्रवाह नहीं कर सकता। ठीक है, तो हम लोग आज का जो है इतना ही, आज बस आवेश के बारे में हम लोग पढ़ पाए। कल हम लोग विद्युत विभव को लेते हुए उसके बाद हम लोग विद्युत धारा पर आ जाएंगे। ठीक है, तो आज का इतना ही था, चलिए
एक बात आप सुनिए, डेली आपका एक लेक्चर आएगा जिसमें आपको संडे को छुट्टी रहेगा और आपका हर दिन 7:30 बजे शाम में आपको इस चैनल पे, चैनल आरजी पब्लिक स्कूल पर आपको देखने को मिलेगा डेली 7:30 बजे शाम में, ठीक है। इसके बाद देख रहे होंगे 8 बजे एंशियंट हिस्ट्री, प्राचीन भारत का इतिहास चल रहा है। 8:30 बजे आईआईटी फाउंडेशन चल रहा है 9th, 8th, 9th, 10th के लिए, 7 से कह सकते हैं इसको। फिर 9 बजे पॉलिटेक्निक का मैथ पढ़ाया जा रहा है, 9:30 बजे पॉलिटेक्निक का केमिस्ट्री और 10 बजे शाम रात में पॉलिटेक्निक का फिजिक्स का क्लास चल रहा है रेगुलर, तो आप इसको भूलना नहीं है, ठीक है। आपका 3 घंटे क्लास रेगुलर होगा, ठीक है। लेकिन आपका 10th का अभी जो फिजिक्स का टाइमिंग 7:30 बजे, ठीक है।